उर्दू दुनिया के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन आज की वीडियो में बताएंगे कि मशरिक वुस्ता में ताकत का खूनी खेल शुरू हो गया। तीन बड़े इस्लामी मुमालिक ने एक दूसरे को दबोचने का फैसला कर लिया। कौन होगा जजीरा नुमा अरब का बेताज बादशाह और इसकी क्या कीमत मुस्लिम उम्मा को अदा करनी पड़ेगी। तहलका खेज इंकशाफात ने हलचल मचा दी। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि फारसियों उस्मानियों अरबों की लड़ाई का नतीजा क्या होगा। 1400 साल पहले की गई पेशगोई सच साबित होने लगी। नाजरीन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। नाजरीन मशरिक वुस्ता में मुमकिन जंग के इशारे मिलने लगे। ईरान और तुर्की मुतहदा अरब अमारात की नजर में कांटे की तरह चुभने लगे। फारसियों सल्तनत उस्मानिया और अरबों की तारीख दोहराई जाने लगी। तारीखी खूनरेजी का बड़ा खतरा। ईरान और तुर्की के खिलाफ मदद हासिल करने के लिए मुतहदा अरब अमारात ने इसराइल से हाथ मिलाया। इसराइल की मुसाद इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबरा मशरिक वुस्ता के अमूर में बराह रास्त टांग अड़ाने लगे। मुतहदा अरब अमारात इसराइल मिलाप कुदरती नहीं है। ईरान और तुर्की को मुतहदा अरब अमारात इसराइल मुहैदा खटकने लगा। अमरीकी सदर ने तमाम अरब मुल्कों पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। सऊदी अरब अमरीकी दबाव का एक अहम निशाना है। पूरी खलीजी दुनिया अमरीका के इशारों पर नाचने को तैयार। तीन अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। ईरान की जानिब से इराक में मौजूद अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों की बारिश अमरीकी फौजियों को जान के लाले पड़ गए। ईरान मजबूत दिफाई निजाम का मालिक बन गया। तुर्की के दुश्मन इसकी तरक्की की राह में रोड़े अटकाने में मसरूफ। तुर्की दुनिया की 11वीं बड़ी फौजी ताकत बन गया। अमरीका समेत तमाम मगरबी मुल्कों के पेट में मरोड़ उठने लगे। तुर्की का सालाना फौजी बजट अरबों डॉलर तक पहुँच गया। सऊदी अरब मशरिक वुस्ता का अमीर तरीन मुल्क बन गया। तेल की पैदावार सऊदी अरब की मौशियत की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। सऊदी फौज के फौजी अखराजात का हुजम 67 अरब $600 मिलियन तक जा पहुँचा। सऊदी अरब मशरिक वुस्ता में फौज पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला मुल्क है। नाजरीन ईरान तुर्की या सऊदी अरब कौन होगा खित्ते का नया कायद? कौन सब पर गुलबा हासिल करने में कामयाब होगा? दर हकीकत ईरान तुर्की और सऊदी अरब ने मशरिक वुस्ता में तसल्लुत के लिए जंग शुरू कर दी है। ये फारसियों सल्तनत उस्मानिया और अरबों के माबेन तारीखी जुल्म सदम की एक जदीद शक्ल है। इस जदोजहद में अरब इसराइल के साथ अमन मुहिदे पर पहुँचे और अब ईरान और तुर्की के बढ़ते हुए असर रसूख से निमटने के लिए अरब इसराइल के साथ तआवुन करेंगे। मुतहदा अरब अमारात इसराइल के मुहिदे में अमरीका के साथ इसराइल के मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबरा यूसी कोहन ने कलीदी किरदार अदा किया। कई सालों से वो अरब ममालिक के इंटेलिजेंस सरबराहों के साथ बातचीत कर रहे हैं। करीबन 1.5 साल कबल उन्होंने मिस्र सऊदी अरब और मुतहदा अरब अमारात के इंटेलिजेंस सरबराहों से कहा था कि ईरान या कोई और मुल्क अब मुस्तकबिल में कोई बड़ा खतरा नहीं हो सकता है। सिर्फ तुर्की हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि गुज़िश्ता दिनों इसराइल और मुतहदा अरब अमारात के माबैन तय पाने वाले मुहिदे में सऊदी अरब शामिल हो जाएगा ताकि इसराइल के साथ न सिर्फ मामूल के सिफारती बल्कि नए और वसी तर तालुकात भी कायम हों। नाजरीन वाशिंगटन के जराये से मौसूल शुदा इतलात के मुताबिक सदर ट्रंप ने मजकूरा बयान बुध 19 अगस्त की शाम को व्हाइट हाउस में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। सदर से पूछा गया कि क्या वो तवक्को करते हैं कि इसराइल और मुतहदा अरब अमारात के माबैन मुस्तकबिल के मुहिदे में सऊदी अरब शामिल होगा। अरब जो दुनिया और खलीजी ताकत में दुनिया की सबसे बड़ी सियासी ताकत है शामिल होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का जवाब था, हाँ मैं पुरउम्मीद हूँ। मुतहदा अरब अमारात और इसराइल मुहिदे की सालसी अमरीकी सदर ट्रंप ने ही की थी। मुहिदे के निकात के मुताबिक इसराइल ने अपने पुराने इरादों के बरखिलाफ मकबूजा मगरबी किनारे में मजीद फलस्तीनी इलाकों को इल्हाक करने का वादा नहीं किया। इसी के साथ ही इस मुहिदे में खित्ते की सबसे बड़ी ताकत ईरान की मुश्तरका हजब इख्तलाफ पर भी जोर दिया गया है। इसराइल अमरीका और मुतहदा अरब अमारात ईरान को मशरिक वुस्ता के लिए एक बड़ा खतरा समझते हैं। सऊदी वजीर खारजा ने कहा कि इनका मुल्क इसराइल के साथ 2002 में अरब दुनिया के मंजूर शुदा अमन अमल की बुनियाद पर अमन के हसूल के लिए पुरअज़्म है। दुनिया के बहुत से दूसरे मुस्लिम ममालिक की तरह सऊदी अरब और इसराइल ने बाज़ाब्ता सिफारती तालुकात कायम नहीं किए हैं क्योंकि इन ममालिक ने इसराइल रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया है। अब तक सिर्फ 3 मुसलमान ममालिक ने इसराइल के साथ मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। ये ममालिक मिस्र उर्दन और अब मुतहदा अरब अमारात हैं। आज से 18 साल कबल सऊदी अरब ने कई दूसरे अरब ममालिक के साथ मिलकर एक पेशरफ की जिसे अरब अमन और तरक्की के नाम से जाना
जाता है। दस्तावेजात की शक्ल में अरब ममालिक ने इसराइल को यह हक फराहम किया था कि 1967 की अरब इसराइल जंग में जेरे कब्जा इलाकों और एक सरकारी फलस्तीनी रियासत से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो इसराइल के साथ मामूल के ताल्लुकात कायम करने के लिए तैयार है। नाजरीन, आइए अब नजर डालते हैं इन तीनों ममालिक के खित्ते में किरदार, इक्तसादी और दिफाई ताकत पर। तो सबसे पहले बात करते हैं ईरान की। 2019 और 2020 में ईरान की मजमू GDP का तखमीना 463 बिलियन अमरीकी डॉलर है। 82.8 मिलियन अफराद की आबादी के साथ ईरान की मौशत को हाइड्रोकार्बन, ज़राअत और खिदमात के शोबों के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग और माली खिदमात में एक नुमाया रियासत की खसूसियत हासिल है। ईरान का दिफाई निजाम और फौज किस हद तक मजबूत है? ईरान ने इराक में अमरीकी अफवाज के रिहायशी इलाके में इनके दो अड्डों पर दर्जन से जायद मिसाइल दागे हैं। ईरान की फौजी सलाहियतों के हवाले से बात की जाए तो इसके फौजी हथियारों की ताकत इसके मिसाइल निजाम और फिजाई ताकत से कम है। नाजरीन, दूसरी जानिब साल 2000 से तुर्की की मुआशी और माशरती तरक्की की कारकर्दगी मुतासर कर रही है, जिसकी वजह से रोजगार और आमदनी में इजाफा हुआ है और तुर्की दरमियानी आमदनी वाला एक मुल्क बन गया है। पिछले कुछ सालों में बढ़ती हुई मुआशी कमजोरियों और पहले से ज्यादा मुश्किल बैरूनी माहौल ने इन कामयाबियों की राह में रुकावटें खड़ी करनी शुरू कर दी है। बैन अल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक तुर्की फौजी ताकत के लिहाज से दुनिया में 11वें नंबर पर है। ये फौज लैंड फोर्स, नेवल फोर्स और फिजाइया पर मुश्तमिल है। फौजी अखराजात के मामले में तुर्की के पास फिलहाल सालाना बजट 19 बिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर है और उन्होंने 2019 में दिफा पर GDP का 1.89% हिस्सा खर्च किया। नाजरीन, सऊदी अरब मशरक वस्ता की सबसे बड़ी मशीत और खित्ते का सबसे अमीर अरब मुल्क है। सऊदी अरब की मशीत तकरीबन मुकम्मल तौर पर तेल पर मबनी है। GDP की नमो तेल के हकीकी इजाफे से जुड़ी हुई है। ओपेक की पैदावार में कमी और सऊदी रिफाइनरी के खिलाफ ड्रोन हमले ने 2019 में GDP के नमो को 0.3% तक कम कर दिया, जो कि 2018 में 2.4% था। 2020 में GDP के नमो 2.3% तक गिरने और 2021 में 2.9% तक इजाफे की तवक्को है। इस साल सऊदी फौज के अखराजात का हुजम 67 अरब और 600 मिलियन डॉलर रहा, जो खलीजी फौज की फहरिस्त में सबसे ज्यादा है। सऊदी अरब इन तीन ममालिक में शामिल है जो 2019 में अमरीका और चीन के साथ मिलकर अपनी फौजों पर सबसे ज्यादा खर्च कर चुके हैं। सऊदी अरब के पास फिजाइया में 879 तैयारे हैं, जिनमें 270 जंगजू, 82 हमला आवर तैयारे, 283 हेलीकॉप्टर, 34 हमला आवर हेलीकॉप्टर, 208 तरबियती तैयारे, 49 ट्रांसपोर्ट तैयारे और 13 खसूसी मिशन तैयारे शामिल हैं। ईरान, तुर्की और सऊदी अरब खित्ते की क्यादत की दौड़ में शामिल हो गए। कौन संभालेगा मशरक वस्ता की क्यादत? इक्तसादी और दिफाई लिहाज से कौन कहां खड़ा है? क्या खित्ते के तमाम मुल्क नई क्यादत को मंजूर करेंगे? अमरीका इस दौड़ में अहम किरदार अदा करने के लिए तैयार है। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।